बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे माशाल्लाह से। और जी, हमने स्टीम रोस्ट बनाया था, चिकन स्टीम रोस्ट, तो माशाल्लाह आपने बहुत पसंद किया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप सब बहन भाइयों का प्यार है। और आज हम बना रहे हैं आमले का सालन। और अब हम आपको बताते हैं आमले कितने चाहिए, उनमें क्या क्या चीज़ें डालनी जी। ये देखें जी, हमने ऑयल ली है आधी प्याली, हमने ऑयल ले ली है ये सालन के लिए। आधा प्याज लिया, ये मीडियम साइज़ का बड़ा वाला प्याज था, और फिर मैंने इसको आधा लिया, आधा प्याज लिया, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और एक चम्मच लहसुन लिया है, ग्राइंड कर लिया मैंने। और दो हरी मिर्च ली है चिल्ली वाली, वो भी मैंने पीस ली है। और लहसुन लिया है बड़ा चम्मच, वो भी मैंने ग्राइंड कर ली है। और डेढ़ चम्मच बड़ी वाली मैंने टमाटर पेस्ट ली है। खुश्क धनिया लिया बड़ा चम्मच, और कसूरी मेथी मैंने ली है छोटी चम्मच, और गर्म मसाला पाउडर लिया मैंने छोटी चम्मच, और हरा धनिया लिया मैंने थोड़ा सा काट लिया बारीक, मैंने धो लिया इसको, काट लिया अच्छे से। और लाल मिर्च ली है मैंने छोटी चम्मच, हल्दी ली है मैंने आधी चम्मच छोटी वाली, और नमक एक चम्मच छोटी वाली, और काली मिर्च थोड़ी सी। इसके बाद ये हमने लिया जी खसखस दो बड़े चम्मच, इनको मैंने ग्राइंड कर लिए पीस लिए। और दो बड़े चम्मच मैंने लिए थे सौंफ के, इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिए अच्छे से। और दो बड़े चम्मच मैंने बादाम लिए थे, इनको भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिए, बिल्कुल पाउडर बनाना है जैसे पाउडर की तरह। और गरी भी लिए, ये भी मैंने दो ही चम्मच लिए थे, और इनको भी मैंने अच्छे से पाउडर बना लिए जी। ये देखें जी, हमने आमले लिए थे कोई 10-12 आमले लिए मैंने, और इनको मैंने रात को भिगो दिया था। और जब अब मैं आपको ग्राइंड, इसको मैंने ग्राइंड इसलिए नहीं किया था पहले कि आपको मैं बताऊंगी इनको ग्राइंड कैसे करना है, तो अब चलते हैं हम इनको ग्राइंड करते हैं। ये देखें जी, मैं इनके गिटक अंदर से निकाल रही हूँ, और मैंने पहले भी थोड़े से निकाल लिए, टाइम बच जाता थोड़ा सा। ये ऐसे इसके अंदर से गिटक निकालनी है, और इनको जो जिस पानी में हमने इसको भगो के रखा था उसी पानी में इसको मैंने ग्राइंड भी करना है, उस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि इनको मैंने धो के भगोया था। जब इनको अच्छे से धो कर और इनको भगो कर रख दिया था, यही पानी जो है इस पानी के साथ हम इसको ग्राइंड करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी, वही पानी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, और अब इसको ग्राइंड करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी, हम ऑयल डाल रहे हैं, और अब हम मसाला भुनेंगे, इसमें प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, हमने प्याज डाल दिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी, हम अदरक और हरी मिर्च डाल रहे हैं, अब इसको हम इसके साथ ब्राउन करेंगे। लहसुन डाल रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इनको थोड़ा सा हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, और इसके साथ ही हम मसाले भी डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी, अदरक लहसुन ब्राउन हो चुका है, और इसमें अब मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें पेस्ट, टमाटर पेस्ट डाल रहे हैं हम। ये देखें जी, अब हम मसाले डाल रहे हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ, ये भी मैं बता चुकी हूँ सारे मसाले। ये
अब थोड़ा सा पानी और डालूंगी, मसाला अच्छे से भुन जाएगा। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा धनिया डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, मैं थोड़ा सा धनिया आधा डालूंगी, आधा बाद में मैं डालूंगी, क्योंकि इसके साथ मसाला अच्छे से भुन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारा मसाला तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें डालूंगी सौंफ, और ये है खसखस, ये डाल रही मैं, और ये है बादाम और गरी खोपरा, यानी कि खुशक, ये मैंने सबको पीस लिया था, अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और बहुत मज़े का ये बनता है। इसको आप रोटी से, नान से, किसी के साथ भी, तंदूरी रोटी के साथ या फुलके के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है। और सर्दियों में तो इसका बहुत ही मज़ा आता है बनाने खाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, अब हम आमलेट डाल रहे हैं इसमें, और इसको फिर मैं अब 3-4 मिनट भूनूंगी मसाले के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारा ये आमले का सालन अब बहुत मैंने भून लिया है इसको। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और इसको पकने दूंगी आधा पौना घंटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा पौना घंटा पकेगा, फिर हम मिलते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, हमारा सालन पक चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ऐसे दरमियाना सा रखें शोरबा इसका। तो अब मैं मिलती हूँ डिश आउट कर जी। ये देखें जी, हमारा सालन बन चुका है आमले वाला, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मज़े का बना है, और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, और मुझे तो बहुत भूख लगी है देख के, बच्चों को भी भूख लगी है, बच्चे बड़े बेताब हैं। आप जल्दी से रोटी दें और खाएँ हम तो। माशाल्लाह ये फरमाइश भी आई हुई थी, वो भी मेरी पूरी होगी सब जिन बहनों ने कहा था। तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर भेजा करें। फिर मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं पढ़ती हूँ, अपने मेरे बहन भाई सब कमेंट्स लिखते हैं कि बहुत अच्छी बनी है चीज़, तो बहुत खुशी होती है जी। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का, बड़ों का ख्याल रखें, और मुझे भी दुआओं में याद रखें। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।